हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हैप्पी नवरात्रि। तो आज है अष्टमी, जय माता की। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अष्टमी की कढ़ाई कर रही हूँ माता की। यहाँ मेरा बन रहा है पूरी वाला आटा जो मैंने मशीन में डाल दिया है। चने मेरे उबल चुके हैं और यहाँ पर हलवा बन रहा है। साथ में मैं बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सारा सामान रेडी कर लिया है। हलवा मेरा अभी पक रहा है, तो साथ ही मैंने धीमी आंच पर खीर भी रख रखी है ताकि आराम से बनती रहे। यहाँ केटल में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है हलवे के लिए। तो हलवा हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। ये मैं बना रही हूँ सूखे चने प्रसाद में देने के लिए। फिर मैंने बनाई है ये चने की सब्जी सूप वाली, क्योंकि मेरे बच्चे चने नहीं खाते तो वो सूप ही खाते हैं। घर पर पूरी के साथ वैसे भी सूप वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बच्चे सूप वाले ही खाएंगे क्योंकि सूखे चने तो वो खाएंगे नहीं। इधर मेरी खीर भी पक चुकी है, 1-1.5 घंटा हो गया है इसको धीमी आँच पर बनते बनते। फिर मैंने पूरी की तैयारी कर ली। पूरी मैंने यहाँ पर कुछ बेल ली है, कुछ मैंने रोल बना के रख ली है क्योंकि मैं अकेली थी। ऐसे ही मैंने सारी पूरियों को तल लिया है। उसके बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी की है क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल 8 बजे से पहले पहले मुझे पूजा भी करनी थी। और यहाँ पर ऐना रेडी होकर आ गई है स्कूल के लिए। ये सब और ये छोटे छोटे गिफ्ट मैंने कन्याओं के लिए लिए हैं। मैं कुछ मंदिर में लेके जाऊँगी, कुछ गिफ्ट्स हैं तो कुछ मैं प्रसाद के साथ इनको अपनी फ्रेंड्स की जो बेटियाँ हैं उनको घर घर देकर आऊँगी। तो बच्चे यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं तो उन्होंने फटाफट से पूजा करी, मैंने भी पूजा करी। पर यहाँ मैं इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रही थी तो कुछ भूल गई हूँ। मैं क्या भूल गई हूँ कि मैंने टीका नहीं लगाया, ना सिंदूर का लगाया, ना हल्दी का टीका लगाया, ना माता रानी को, ना बच्चों को, किसी को नहीं लगाया। तो क्योंकि मैं हफदड़ी में इतने काम थे तो मैं भूल गई, तो माता रानी मेरी भूल चूक माफ़ करे जो भी मुझसे गलती हुई है। तो इसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तिलक नहीं किया, ना बच्चों को किया, ना अपने आप को किया, ना माता रानी को। छोटा सा टीका तो चाहिए था। फिर मैंने भी पूजा करी, पूजा फिनिश करके उसके बाद फिर मैंने ना इच्छा को जो प्रसाद था वो दे दिया माता रानी का। और जो इनके गिफ्ट थे ये खुद ही लेकर आई थी, मार्केट में मेरे साथ गई थी तो खुद ही लेकर आई थी। मैंने इनको प्रसाद दिया, इनके गिफ्ट्स दे दिए और मैंने इनको पैसे देकर इनके पैर छुए। फिर मैंने यहाँ पर प्रसाद पैक किया। यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में तो कन्याएं घर पर आ जाती हैं, जीम जाती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के घर पे नहीं भेजता अपनी बेटियों को। यहाँ पर बस ये है कि पैक करो वैसे बॉक्स में, टिपन में, जैसे भी है। तो मैंने यहाँ पर 6 बॉक्स बनाए हैं, 2 मेरी बेटी हो गई थी और 1 कोमल। मैंने कोमल का भी पैक करके दे दिया था, वो जॉब पर गई थी हॉस्पिटल में, तो उसके जाने से पहले ही मैंने उसको पैक करके दे दिया था। और ऐना इच्छा का भी हो गया था, तो बाकी बची 6 कन्या। तो मैंने 6 बॉक्स बनाए यहाँ पर ऐसे पूरा, मतलब पैसे भी, केला और जो होता है उनकी पिन, जो गिफ्ट वगैरह जो मैं लेकर आई थी, जो भी, तो ऐसे मैंने पैक करे, उनका अलग अलग पोर्शन बना दिया, सारे पैक करके फिर मैं उनको अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जाकर सबके घर जाकर देकर आई। और जिन्हें रिटर्न में जैसे मेरी बेटियों का प्रसाद देना होता है तो वो भी यहाँ मेरे घर पर आई, मुझे देकर गई प्रसाद। इंडिया की बात अलग है क्योंकि वहाँ पर तो कन्याएं ऐसे ही आस पड़ोस में भी बहुत हो जाती है, अपने घर की भी बहुत हो जाती हैं, तो ऐसे ही जिम जाती है, प्रॉपर से करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इंग्लैंड में तो यही है कि त्यौहार हम मनाते हैं पर वो बात नहीं होती जो हम इंडिया में मना सकते। इंडिया में तो इस दिन बहुत रौनक लगती है, इतनी रौनक लगती है कि बस पूछो ही नहीं, मन भी लगता है बहुत। यहाँ पर सब ऐसे ही शांत शांत है। मैंने मॉर्निंग में उठकर प्रसाद बनाया, ऐसे जल्दी जल्दी में पूजा कर दी,
और ये सारा सामान मैंने पैक कर दिया, ऐसा ही है यहाँ पर। तो चलो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ रहते हैं तो हमें ऐसे ही यूज टू होना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर मेरे बचे सारे टॉय जितने भी मैं लेकर आई थी, मैं काफ़ी सारे लेके आई थी क्योंकि आज मंदिर में बहुत सारी कन्याएं आएंगी शाम को, सबको तो नहीं मैं दे पाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए लेकर आई हूँ, पर जितने भी मेरे सामने आएंगी जितना भी हो सकेगा मैं सबको एक एक बांट के आऊँगी शाम को। अभी तो नहीं जाना, शाम को वहाँ पर प्रोग्राम होगा अष्टमी का, हम वहाँ पर जाएंगे। फिर हमने लगा ली अपनी जागरण की मूवी, जो कि हमने 5 साल पहले करवाया था। ये हमारा 5 साल पहले का जागरण है, इंडिया में हमने करवाया था। ये है इच्छा, इच्छा इतनी छोटी थी उस टाइम, 8 साल की थी इच्छा, तो ये बनी हुई थी देवी। पापा ने गोदी उठा लिया इसको। दोपहर में हमने ये जागरण की मूवी देखी, उसके बाद हम मंदिर में आए। मंदिर में पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम यहीं पर उतर गए और परवीन पार्क करने गया है कार को। मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ मैंने अपने सारे गिफ्ट दे दिए हैं, बल्कि गिफ्ट मेरे बहुत कम पड़ गए थे, तो इट्स ओके। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय माता दी।